केरल में फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल केरल के सीएम पिनरई विजयन ने शनिवार को राज्य के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की बात कही थी। इसके एक दिन बाद ही विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन पार्टियों में भाजपा भी शामिल है। भाजपा का शामिल होना आश्चर्यजनक है, क्योंकि उसने बिहार के चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में ऐसा ही वादा किया था। आपको बता दें कि केरल में निकाय चुनाव चल रहे हैं। यहाँ के 4 जिलों में 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। विपक्षी दलों का कहना है कि फ्री वैक्सीन की घोषणा करके सरकार चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। बीजेपी के स्टेट चीफ के सुरेंद्रन ने इलेक्शन कमीशन को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा करके वोटरों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉडल कोड का वायोलेशन है। उन्होंने कहा कि इस समय ऐसी घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी जोसेफ ने भी इस मसले पर इलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन कंप्लेन भेजी है। आपको बताते चलें कि केरल के सीएम ने शनिवार को कहा था कि राज्य में सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कन्नूर में पत्रकारों से ये बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस वैक्सीन के लिए यहाँ के लोगों से किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा।